श्रावण मास का दूसरा सोमवार होने के कारण आज सुबह से ही शिव मंदिर में भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन हेतु दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के कारण बाबा महाकाल की भस्म आरती में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा हुआ है। यहाँ दर्शन के लिए मंदिर समिति ने नियम कायदे तय किए हैं और उन्हीं के तहत श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन कर सकेंगे। यहाँ श्रद्धालुओं को सुबह 5 बजे से प्रवेश दिया गया है। तड़के 2:30 बजे बाबा महाकाल की भस्म आरती शुरू हुई। श्रावण मास भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना माना गया है। मान्यता है कि श्रावण महीने में शिव आराधना करने से सभी कष्टों से तुरंत मुक्ति मिलती है। आज शाम 4 बजे बाबा महाकाल की सवारी भी निकाली जाएगी। कोरोना के कारण सवारी मार्ग बदल कर छोटा कर दिया गया है। सवारी में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। श्रावण माह का दूसरा सोमवार होने के कारण आज महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई है। भस्म आरती के पहले बाबा को जल से नहलाकर महापंचामृत अभिषेक किया गया, जिसमें दूध दही घी शहद व फलों के रस से अभिषेक हुआ है। अभिषेक के बाद भांग और चंदन से भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया और भगवान को वस्त्र धारण कराए गए हैं। तत्पश्चात बाबा को भस्म चढ़ाई गई। भस्मीभूत होने के बाद झांझ मजीरे ढोल नगाड़े व शंखनाद के बाद बाबा की भस्म आरती की गई है। यहाँ भस्म आरती में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध है। यहाँ दर्शन के लिए मंदिर समिति ने जो समय तय किया है, जिसके तहत सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक एवं शाम 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक ही दर्शन हो सकेंगे। श्रावण माह में प्रतिदिन 5,000 श्रद्धालुओं को ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से प्रवेश दिया जा रहा है और इसके साथ ही VIP शुल्क 250 रुपए की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ विशेष प्रोटोकॉल के माध्यम से भी श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। साथ ही आपको बता दें, यहाँ नियम कायदों के तहत उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है जिनके पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है। भक्त आज के दिन का विशेष इंतजार करते हैं, इसलिए आज महाकाल के दरबार में सुबह से ही उत्साह और आनंद का माहौल बना हुआ है। पंडित जी बताइए, आज भस्म आरती सुबह ब्रह्म मुहूर्त है और श्रावण का दूसरा सोमवार है, क्या घोषणा है? श्रावण का दूसरा सोमवार विशेष महत्व हो जाता है। जैसे जैसे सोमवार आता जाएगा उसका महत्व भी बढ़ जाएंगे। और आज जो भस्म आरती भगवान की जो संपन्न हुई विशेष पूजा, उसमें हर सोमवार को विशेष पूजा होगी, उसमें सामग्री की वृद्धि हो जाती है, सामग्री बढ़ाई जाती है, सामग्री के हिसाब से भगवान की पूजा सेवा उसमें करते हैं और सेवा के साथ में भगवान का श्रृंगार बड़ा दिव्य और श्रृंगार के साथ भगवान की भस्म स्नान के बाद भस्म आरती संपन्न हुई। महाकालम महागायो महाकालम जगतपते महाकालम महायोगीन महाकालम नमस्ते। परब्रह्म परमात्मा ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल के दरबार में आज द्वितीय सोमवार के दिन भगवान महाकाल की पूजन अर्चन की गई है, भस्म आरती की गई है, राष्ट्र की सुख समृद्धि की कामना की गई है। हजारों भक्त लोग बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आ रहे हैं। बाबा महाकाल के दरबार के अंदर जिस प्रकार की पूजन अर्चन की जाती है, जिस तरह से भस्म आरती की जाती है, दुनिया में कहीं पर भी नहीं होती है, इसलिए बाबा महाकाल की भस्म आरती का बड़ा महत्व है। जय महाकाल।